रहे हैं न्यूज रूम लाइव में, आपके साथ मैं हूं आशीष चौबे। सीधे बात करेंगे सबसे पहले विधानसभा की कार्यवाही की, और सीधी दिखाते हैं आपको तस्वीरें क्या कुछ कह रहे हैं सतीश पूनिया। सबसे पहले सुन लेते हैं, पॉइंट्स लग रहे हैं वो देखने आप उनको, बोलने दें आप उनको, प्लीज सहयोग करें। माननीय सभापति महोदय, आपके बहुत से माननीय सदस्य बिना बोले रह जाएंगे, अधिकतर लोग पढ़ करके बोल रहे हैं, अलाउ नहीं करूंगा मैं, और अधिकतर बिना बोले रह जाएंगे, प्लीज सहयोग करें, प्लीज बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा, प्लीज प्लीज। ये तो पार्टी के अध्यक्ष हैं, मंत्री महोदय प्लीज सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें, प्लीज सहयोग करें, बिराजिए बिराजिए, माननीय सदस्य बिराजिए बिराजिए बिराजिए, आसन पैरों पर है बिराजिए, माननीय सदस्य बिराजिए, आसन पैरों पर है बिराजिए 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 बिराजिए, आप बिराजिए बिराजिए, माननीय सदस्य बिराजिए। सदन की आज का जो पूरी कार्यवाही है, माने नेता प्रतिपक्ष और माने नेता स्वयं बोलेंगे, इसके बावजूद भी आप गंभीरता नहीं बरत रहे हैं, प्लीज मैं आपसे अपेक्षा करता हूं, प्लीज प्लीज मत करिए आप इस तरह से, प्लीज प्लीज माने सदस्य प्लीज, आप बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं, अपेक्षा रखता हूं मैं आप लोगों से, गंभीरता रखेंगे, सदन की गरिमा बनी रहेगी, बार बार जो है आसन को आपको टोकना पड़ रहा है, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, प्लीज सेव करें आप, माने सदस्य मुझे वार्न करना पड़ेगा आपको, सतीश पूनिया प्लीज माने सदस्य, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, इस तरह की उदारता बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, प्लीज गरिमा रखिए आसन की, मर्यादा आसन की, आसन पर व्यक्ति नहीं बैठा हुआ है, आसन पे आपकी गरिमा है, आप स्वयं उसको तार तार कर रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे पूरे राजस्थान को कि आसन बार बार टोकता रहता है, माननीय सदस्य जो है उसका पालन नहीं करते, मैं इसलिए महसूस करता हूं कि मैं भी वहां बैठता हूं, और बैठने के बाद मैं स्वयं महसूस करता हूं कि आसन की गरिमा जो है कितनी महत्वपूर्ण है, प्लीज सेव करें, माननीय मंत्री महोदय अपने स्थान पर बता रहे हैं आप, प्लीज मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको, प्लीज सेव करें आप, बिराजिए 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 बिराजिए, प्लीज सेव करें, माननीय सदस्य सेव करें, महोदय आसन के आसन का सम्मान करते हैं, इनके फ्लोर इनके पोजीशन में है, बार बार खड़े हो रहे हैं, आपकी निर्देश नहीं मान रहे, मैं कर रहा हूं, कोई बात थोड़ी हुई, मैं बता दे रहा हूं, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, मैं अपेक्षा रखता हूं माननीय प्रेसिडेंट बेंचेस के सभी माननीय सदस्यों से, मैं पहले मैं बोलूं कुछ बात, बात की बात नहीं बोल रहा, आप फरमाएं, मैं बोल रहा हूं, मैं तो ये निवेदन कर रहा हूं कि जब आप इस आसन पर विराजते हैं तो सदन के 200 सदस्य जो हैं वो हर्षित रहते हैं, खुश रहते हैं, लेकिन आज जो आज आपका विकराल रूप देखा तो देख के मुझे पीड़ा हुई, मैं हमेशा ये चाहता हूं कि आप जिस तरीके से मुस्कुराते हुए अपना आदेश प्रसारित करते हैं वो करते रहें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, माननीय सदस्यों को पूरी विनम्रता से पूरी मुस्कुराहट के साथ मेरा निवेदन है कि कृपया सहयोग करें, प्लीज, प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं भाषण दूं तो मैं सत्य बोलूं, अगर सत्य नहीं बोलूंगा तो निश्चित तौर पर जो है बाकी के अधिकारों को जो है मैं कुचल दूंगा, आप हर आदमी को अधिकार है कि वो सत्य सत्य अगर असत्य वाचन है तो उस पर टोके, ये हर्षवाद का कारण, माननीय मंत्री महोदय ये निर्णय हम नहीं करेंगे कि सत्य क्या है असत्य क्या है, आदमी को स्वयं अपने विवेक से निर्णय करने दे कि वो क्या बोल रहा है, उसको अपने निर्णय करने के अपने अपने अधिकार है, माननीय प्लीज प्लीज एक मिनट महोदय आपको विकराल रूप कहा, मेरे मेरे इतनी वेदना, और ये सभापति महोदय ये सौम्य चेहरा, ये सुंदर चेहरा शेखावाटी जिसको नाच करती है उसको इन्होंने विकराल कहा, ये एसेंस दिया इनको, निकालिए एसेंस दिए शब्दों को, निकालिए सभापति महोदय, सेव करें बिराजिए, मतलब शांति धारीवाल जी को शांति पैदा करना, आप सबको मुस्कुरा करके कह रहा हूं सेव करें, शांति पैदा करना इनका प्रमोद धर्म है जिसको पूरा कर रहे हैं ये, अपने शब्दों से निकालिए आप, इसका मतलब धारीवाल साहब ने बहुत सारी बातें कही है, प्लीज सेव करें, उनसे ये सहमत है मंत्री, ये असत्य कह रहे हैं उनसे ये सहमत है, प्लीज 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 प्लीज
सभापति महोदय पहले माने सदस्य मेरे ऊपर ही गुस्सा किया। सदस्य यदि गंभीरता नहीं रखनी है तो मैं जो है घंटे दो घंटे पांच घंटे जितनी देर आप कहें मैं अटेंड करूंगा हाउस। थोड़ी बहुत गंभीरता रखिए प्लीज सेव करें। मुस्कुरा करके कह रहा हूं प्लीज सेव करें माननीय संसदीय कार्य मंत्री महोदय। अब तो निर्देश दें अपने लोगों को प्लीज सेव करें बिराज जी प्लीज माननीय सदस्य बिल्कुल मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं निवेदन कर रहा हूं प्लीज सेव करिए। माननीय सदस्य बड़े वरिष्ठ हो गए अब आपको अपनी वरिष्ठता का अंदाज नहीं है क्या? अपनी हाइट को भी देखिए अपनी वरिष्ठता देखिए प्लीज सेव करें माननीय सतीश पूनिया। माननीय सभापति महोदय अब एक पन्ना मैं पढ़ के बोल रहा हूं। मैं इतिहास की तरफ थोड़ा जाऊंगा। 1960 में भारत की साक्षरता थी 28%। वर्तमान को आप सीमित कर ले उसके बाद आप इतिहास से पता है। वर्तमान को थोड़ा सा एक बार थोड़ा वही कुल डाउन करें उसके बाद आप इतिहास की बात फरमाएं। चलिए मैं पन्ना छोड़ देता हूँ भले अपने इन सभी मित्रों को जो है अपने साथ जोड़िए आप कनेक्ट करिए मुझे। जी जी बता रहे हैं कि साहब भारत की जो है साक्षरता इतनी थी पर ये भी बता दें कि भारत का आज के 10 साल पहले पेट्रोल का दाम क्या था डीजल का दाम क्या था देश का दाम क्या था। लेकिन ये कल्पना तो करने के लिए आपने किया था। आप भगवान की कृपा से प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं प्रदेश तक ही सीमित रहे हैं।